वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइम व्लॉग्स। आज हम देहाती ज़िंदगी उसका थोड़ा रिव्यू करने जा रहे हैं कि देहाती दिन ज़िंदगी जो होती है और उनका जो लोगों का रहन सहन होता है वो कैसा होता है। देहात में ज़्यादातर लोग सुबह सवेरे उठते हैं, माल मवेशी के लिए फसलों में निकल जाते हैं और किसान जो होता है वो सारा दिन मसरूफ़ होता है, वो खेतों में माल मवेशी इनका चारा वगैरह में और इन सब चीज़ों में उनका गुजर जाता है। और इसके बरक्स जो सिटी लाइफ होती है, शहर की ज़िंदगी होती है, उसमें सब लोग सुबह सवेरे उठ के ऑफिस चल जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे मिनी इस तरह के कामों में उलझ जाते हैं। और देहात में ज़्यादातर लोग खेतों खेत खलिहान माल मवेशी इनके चारा इनका दूध ये सारी चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और देहात शहर के बरक्स चलते हैं और शहर देहात के बरक्स चलते हैं। जो हमारे सिटीज़ होते हैं वो हमारी मईशत ज़रात इनका लेन देन इन सब चीज़ों को टैकल करते हैं, और जबकि हमारे जो देहात होते हैं वो उनकी जो खुराक होती है उसके अलावा खुराक में दूध हो गया, गंदम होगी, चावल होगी, ये तमाम तरह फसलें क्योंकि विलेज में उगाई जाती हैं, यहाँ पर इनकी पैदावार होती है, यहाँ पर इनकी कटाई होती है और कटाई करके इनका जो आटा बनाया जाता है, चावल जो खाने के काबिल बनाए जाते हैं वो सब कर करा के शहरों में भेजे जाते हैं। और जो शहर की लाइफ है उसमें ये होता है कि इनको बेच के ज़र मुबादला कमाया जाता है, और जो गांव के लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों से पैसे कमा के अपनी लाइफ गुजारते हैं, और जो शहर के लोग हैं वो इन चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करके तो अपनी लाइफ और जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो करके ज़र मुबादला कमाते हैं और अपना जो रोज़ी रोटी का ज़रिया बनते हैं। तो शहर की लाइफ वो भी एक हद तक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, और जो गांव की लाइफ है वो भी एक हद तक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। दोनों के होने से ही निज़ाम है। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो उसमें और चीज़ें होंगी, और चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन ये अभी के लिए थोड़े से नज़ारे हैं क्योंकि बेसिकली मैं सिटी से हूँ, लेकिन हमारा जो सिटी है वो पहले बिल्कुल एक गांव टाइप ही था, बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन अब इसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आबादी बढ़ने की वजह से फसलें जो हैं वो थोड़ी बहुत कम हो गई हैं, लेकिन ये कि अभी अभी हमारे पास वो व्यूज़ बाकी हैं कि हमारे जो घर हैं हम तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद हमारे घर ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद ये कि फसलें हैं ज़रूर, लेकिन जो पहले बहुत ज़्यादा थी अब कम है। तो बाकी इंशाल्लाह और चीज़ों का रिव्यू होगा वक्त के साथ साथ। आप इस चैनल पर जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइम व्लॉग्स की तरफ से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी आते रहेंगे।